सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडिया। मैं सनी मोसले बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छो, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज रिसेंटली जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले। और एक बढ़िया है कि पिछले 2-3 साल में, जैसे 22 की बात करूँ, बहुत अच्छा पेपर आया था, ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। डन, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भाई, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देर इज़ अ न्यूमेरिकल लॉक विच हैज़ अ 3-डिजिट पिन, मतलब, और ये आपका 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पिछली बार पेपर में आया था। डन, देर इज़ अ न्यूमेरिकल लॉक विच हैज़ अ 3-डिजिट पिन, द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, मतलब उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो 1 से 7 तक हैं, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते थे ना वो, अपना साइकिल वाला लॉक आता था, मे बी उसकी बात कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है, ठीक है। देर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ आएंगे ना, पहला बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे होना चाहिए। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम जो 3 नंबर आप सिलेक्ट करो उसमें कम से कम 2 डिजिट्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए मेरे पास। डन, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज 1 into फाइंड आउट द पिन विद सर्टनटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो, उसने बोला भैया 3 डिजिट्स हैं, मतलब 3 है, पहले मैं 7 नंबर लेता हूँ सबसे बड़ा, ठीक है। मैंने पहले देखो उसने क्या बोला भाई, 1 से लेके 7 डिजिट तक के नंबर्स हैं मेरे पास, 1 से लेके कितने मेरे पास 7 डिजिट्स नंबर हैं। देखो, पहले मैं लिखूँ 7, डिफरेंस टू 5, 3 लिख सकता हूँ, दूसरा क्या आ सकता है, अगर 7 होगा 5 होगा, 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 7 5 1, ये बताओ इन 3 में क्लियरिटी हुई। वो कह रहा है वो ज़रूरी नहीं कि जो साइमल्टेनियस नंबर आसपास के उनके डिजिट का डिफरेंस 2 हो, वो कह रहा है कोई भी हो, कोई भी डिजिट्स हो, उनका डिफरेंस कितना हो सकता है मेरे पास 2 हो सकता है। डन, देखो इसी तरीके से अगर मैं 7 को फिर टारगेट करूं, 7 4 3 लिख सकता हूं, ओके 7 4 1 लिख सकता हूं, या 2, सेवन फोर वन ही आ सकते हैं। अगर मैं साइमल्टेनियसली बात करूं 7 4 2 7 4 1 हो सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए मेरे पास, तो ये नंबर नहीं आएगा मेरे पास, 7 4 3 नहीं आएगा मेरे पास। डन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है जी, 7 4 2 7 4 1, यस यहाँ पे बिल्कुल मेरा सही पैटर्न बन रहा है, तो क्या 7 3 1 हो सकता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल 7 3 1 मेरा ऑन द कार्ड्स है, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 नंबर का होना चाहिए जो डिजिट्स है मेरे पास। डन, कि 7 5 5 3 ऐसे साइमल्टेनियसली कैन बी, बिकॉज यहाँ पे यही चीज़ मेरे से पूछी गई है। और मैक्सिमम टाइम से आप देखो यहाँ पे 6 हो गया, और कौन कौन से हो सकते हैं सोचे, देखो मैंने 7 को लिया, फिर जब आप 6 को लोगे क्या बनेगा, देखो 6 4 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 4 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 3 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये मेरे पास 9 अटैम्प्ट हो गए। अब आपके पास एक और बचा लास्ट, 5 5 -2 3 -2 1, तो कितना आ गया टोटल, कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी, वी हैव टोटल 10 अटैम्प्ट टू डू। ये मैंने क्यों कैंसिल किया लिखे, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 का सम कितना, माइनस करके कितना आ रहा था, 2 से कम। डन, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए, इसीलिए थोड़ा सी साइड में थोड़ा बच्चों को डर लगता है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा माइक्रो कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपके पास। डन, चलिए ये भी 2022 में पूछा गया। चलिए देखिए, द लेटर ए बी, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 लेटर्स ए बी सी डी ई आर अरेंज इन सच अ वे दैट देर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, मतलब ये नहीं बताया पहले ए आएगा कि पहले ई आएगा, सिंपल सीधी सी बात। देखो 5 लेटर्स हैं, मैंने पहले ए को फॉरवर्ड रखा, अगर यहाँ पे ए आ गया तो 2 लेटर्स हैं यानी ई, ठीक है, पहला ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है मेरे पास,
मैंने ए यहाँ रखा और ई यहाँ रखा, सॉरी मैंने ए दूसरे पे रखा तो ई आएगा एंड पे, और ये दो लेटर्स का स्पेस हो गया। तो सिंपल सी बात, अगर ए और ई गया तो तीन बचे, यहाँ पे तीन आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, एक आ सकता है, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से छः आ गया, यहाँ पे तीन आ सकते हैं, दो बड़ा आ सकते हैं, एक आ सकता है, छः आ गया। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या मेरे पास, अब मैं ई को अगर पहले ले आऊँ तो कैसे, अगर मैंने ई को पहले लिया तो ए डेफिनेटली यहाँ आएगा, यहाँ पे फिर वह तीन दो एक का पैटर्न। सिंपल, बस आपको ये समझना है कि आपके अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं, कितने हो गए ई और ए, तीन दो एक, तो यहाँ पे भी छः, यहाँ पे भी छः, टोटल कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी 24। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, बड़े डेप्थ में आकर समझाया मैंने, इसीलिए मैं करने को एक को एक्सप्लेन करके बाकी तीन को कह सकता था करना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही अभी पीडिया की खासियत है, हमेशा डेप्थ में आके कंप्लीट बताना आपको, और यही माइक्रो कोर्सेज के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड एंजॉय द लेक्चर्स। सही, थर्ड इज इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ करिए कि लीडर है जो, इसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, बताइए। लीडर को कैसे अरेंज किया जा सकता है, देखो लीडर में क्या है मेरे पास, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें मेरे पास, अगर मैं देखो दो चीज, एक चीज बताता हूं ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैंने लिखा ई, फिर मैंने लिखा ई, इन दोनों में फर्क बताओ मुझे क्या। देखो जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने क्या किया, इसको ये लिखा है, बट क्या मेरे पास इसका मतलब चेंज हुआ, नहीं, अभी भी ई हो रही है, अदरवाइज भी ई हो रही है, डजंट चेंज। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, अब जैसे मैंने बात की, यहाँ पे क्या है, टोटल छः वर्ड्स हैं, यानी यहाँ पे छः के छः आ सकते हैं, पाँच चार तीन दो एक, बट यहाँ पे बेसिक्स क्या है, यहाँ पे आपका एक जो नंबर है ना, या एक लेटर है आपका, दो बार आ रहा है, यानी आपको सिंपल सिंपल करना क्या है, ये कितना होगा 6 factorial, और जितने नंबर ऑफ लेटर्स आपके रिपीटेड हैं डिवाइडेड बाय, बस ये आपका आंसर, ये सही होगा। अब फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करना मैं बता देता हूँ, देखो ये कितना आएगा मेरे पास, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 factorial अपॉन 2 factorial, तो ये कितना होगा, 6×5 = 30, 30 × 12 = 12, ये कितना हो गया, गलती मत करना, आपके इस ऑप्शन में 720 भी दिया हो कहीं, जितने नंबर लेटर रिपीटेड है उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड ना करो तो वो गलत हो जाएगा बेटा, तो वो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिए इस बात का प्लीज़। डन, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माइक्रो कोर्सेज को परचेज करना मत भूलिए, बिकॉज अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो जो टॉपिक आपका वीक है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 6, 7 and 9 विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, समय दे रहा हूं आपको मैं 10 से 15 सेकंड का। देखिए उसने बोला है कि 3-digit का मुझे नंबर बनाना है, ठीक है जी, 2, 3, 5, 6, 7 and 9 विच आर डिविजिबल बाय 5। देखो कौन सा नंबर 5 से विभाजित होता है, डिविजिबल होता है, पहले ये बताओ, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, यस और नो, यस, तो यहां पे मेरा 5 मैंने फिक्स कर दिया,
यानी यहाँ पे मेरा एक डिजिट कोई भी आ सकता है. डन. मेरे पास कौन कौन से डिजिट गिवन है, 2, 3, 5, ये भाई हो गया मेरे पास फिक्स. तो क्या मैं कह सकता हूँ, तो क्या बोला जा सकता है, अच्छा 9 भी है, कि इन पांचों में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है. नहीं, यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, 5. अब यहाँ पे भी 5 में से कोई एक तो टिका होगा ना. अब कितने बचे, 4. सबसे अच्छा तरीका इसको करने का आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. डन. सो इससे भी जबरदस्त तरीके हैं भाई माइक्रो कोर्सेज में, लोगों को तो पता चलेगा. और बहुत बड़ा नंबर आता है परमिनेशन कॉम्बिनेशन में से. अभी जब वीडियो के एंड में बताऊंगा ना माइक्रो कोर्सेज के बारे में, तब देखना कितने परसेंट क्वेश्चन यहाँ से आए. 15% तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद है 15.23% क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है इससे आते हैं. सबसे बड़ा नंबर आता है नंबर सिस्टम का, उसके बाद यही होता है मेरा. अगर दो कर लो ना तो भैया बेटा पार हो जाता है. ठीक है, चलो चलिए. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजिशंस. अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे. अब आप लोगों की अप्रोच क्या रहने वाली मुझे पता नहीं, बट मैं एक बड़ी अच्छी अप्रोच से कराऊंगा. पहले आप इसको नोट कीजिए प्लीज. डिटेल, डिटेल में तो पूछता है यूपीएससी आपसे आजकल. देखो अच्छा, वोवल्स कितने हैं इसमें, वोवल्स कितने हैं इसमें, अगर बात करूं ई ए एंड आई, तीन वोवल्स हैं बेसिकली. होते उसे ए ई आई ओ यू. मैं शुरू करता हूँ, पोजिशनिंग करता हूँ. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया. ठीक है, वो कह रहा ऑड पोजिशंस, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ई 3 है ना, टोटल 3 मेरे पास लेटर्स हैं. तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, 3 में से कोई भी आ सकता है. डन. अगर आ गया होगा तो यहाँ पे कितने आएंगे भाई, यहाँ पे 2 में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे क्या होएगा, 1 आ सकता है कुछ, और सॉरी 5 पहले आएगा. ठीक है जी, यहाँ पे भी कितना बचा, 3, 2, 1. बिकॉज जब ए ई आई अपने कर दिया प्लॉट, तो डी टी एल बचा, उनको भी ऐसे करोगे तो ये कितना हो गया बेटा, 3, 3, 9 हो गए 36, ऑप्शन नंबर सी. तो फालतू में क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी, जब इजीली हमारा काम हो सकता है. तो डन, जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं. चलें जी, बढ़िया, समझ आ रहा है ना. चलो ओके, सेम मीटिंग आ गई. चलिए अब मैं बात करूंगा अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज पूरा कोर्स ना करके क्यों ना उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझा जाए बच्चों, जो मेरे पास इम्पॉर्टेंट है या जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करती हैं. तो उन्हीं चीज़ों को पकड़ना, उन्हीं चीज़ों को मुझे करना है. कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको डिटेल में, देखिए. और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा आपको. डन. चलिए देखो, चूज एग्जाम करेंगे बच्चों यहाँ से, उसके बाद मैं जाऊँगा सी सेट के ऊपर. ठीक है, देखिए कंप्लीट कोर्स फॉर सी सेट फॉर सिविल सर्विस. देखिए मेरे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, वी हैव टू चूज माइक्रो कोर्स. देखो सबसे अच्छी बात क्या है, आपको कोई भी कुछ नहीं करना, किसी नंबर पे कॉल नहीं करना. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है खरीदने में कुछ करने में, आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको डिटेल हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूं, पूरा बंडल है मेरे पास 3657 का, बट मत लो. जैसे कि मैं आपको परसेंटेज बता रहा था, बिल्कुल सही 15 पॉइंट. अच्छा, वो सिंप्लीफिकेशन का था मेरे पास. ठीक है, चलो. अगर बात करूं नंबर सिस्टम, माफ कीजिएगा, वो सिंप्लीफिकेशन का जो मैं डाटा बता दिया आपको. अगर नंबर सिस्टम की बात करूं, 21.88%, सिंप्लीफिकेशन से 15.23%. परसेंटेज की बात करूं, 8.59, सिर्फ कितने का, देखो नंबर सिस्टम
10 लेक्चर्स हैं 314 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 314 रुपये में आपका इतना ज़्यादा डेटा तैयार हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ 114 रुपये में सिर्फ 15 से 16% डेटा आपका तैयार हो रहा है। डन। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तकरीबन 9% आते हैं मेरे पास क्वेश्चन इसके। 8.59 क्वेश्चन मैथ एंड मैथमेटिकली फ्रॉम दिस टॉपिक इन द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम, सो भाई 120 रुपये का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्निक को ठीक करके, अपने मेथड्स को ठीक करके सही गाइडेंस से सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी समय बचा है, तो जो आपका पोर्शन वीक है करिए उसको अभी पीडीएफ के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। प्लीज़ लिंक माइक्रो कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई जारी रखिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा।